दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एडवेंचर के महानायक जॉन गोडार्ड के बारे में। आपने इनका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज के बाद आप इनका नाम कभी नहीं भूलेंगे। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने न सिर्फ अपने लिए 127 गोल सेट किए, बल्कि लगभग अपने सारे गोल्स को पूरा भी किया और अपनी पूरी जिंदगी इन गोल्स को पूरा करने में झोंक दी। चलिए जानते हैं कैसे। बड़े होते हुए गोडार्ड ने कुछ बुजुर्गों को अफसोस जताते हुए सुना कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। ये बात गोडार्ड के दिल पर लग गई और उन्होंने ठान लिया कि वो अपने जीवन को एडवेंचर से भर देंगे, ताकि उन्हें कभी अफसोस ना हो कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। और तब उन्होंने एक दिन अपने कमरे में बैठकर 127 गोल की लिस्ट तैयार की, जब वे महज 15 साल के थे। उनके द्वारा तैयार की गई सूची में एक से बढ़कर एक गोल्स थे। वे अमेज़न, कॉन्गो, कोलोराडो, नाइल नदी के पानी की खोज करना चाहते थे, माउंट एवरेस्ट, तुर्की में अरारेट, न्यूजीलैंड में कुक, तंजानिया, मेक्सिको, किलिमंजारो जैसे पहाड़ों की प्रभावशाली सूची पर चढ़ना चाहते थे। इसके अलावा चीन की बड़ी दीवार, पनामा, गैलापागोस द्वीप श्रृंखला, ताजमहल की यात्रा भी करना चाहते थे। शुरुआत में इनकी इस हरकतों की खूब खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन जॉन गोडार्ड ने फैसला कर लिया था कि अगर उन्होंने इन गोल्स को सेट किया है तो वो एक दिन इन सारे गोल्स को पूरा भी करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी नॉलेज बढ़ेगी और वो साहसी बनेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गोडार्ड अमरीकी वायुसेना का हिस्सा थे। युद्ध खत्म होने के बाद जब गोडार्ड को लगा कि अब उन्हें अपने द्वारा सेट किए गए गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए, तब उन्होंने सेना को इस्तीफा दे दिया, सामान पैक किया और निकल गए अपने एडवेंचर की यात्रा पर। इसी बीच वो एक नामी एडवेंचर्स के ग्रुप का हिस्सा बनने में कामयाब रहे और वो इस ग्रुप के सबसे युवा सदस्य थे। कुछ माउंट चढ़ाई, एवरेस्ट और चंद्रमा पर लैंडिंग जैसे कुछ गोल्स को वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने ज्यादातर गोल्स को पूरा किया। दोस्तों इस पूरी कहानी से मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ। पहला है कि सबसे पहले आपको अपने गोल्स सेट करने चाहिए। अक्सर हमसे यही गलती होती है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, और इसलिए हम सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन अल्टीमेटली हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए दिमाग लगाओ और आज ही अपने उन सारे गोल्स की लिस्ट बनाओ जिनको आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। दूसरा है कि आपको अपने गोल्स पर विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने गोल्स को पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर लेते तब तक कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप ये कर सकते थे। और याद रखना कि अपने गोल्स की लिस्ट कभी किसी से शेयर मत करना, क्योंकि लोग आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपको डीमोटिवेट करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। तीसरा है कि आप अपने सारे गोल्स को एक बार में पूरा करने के बजाय एक एक करके पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि जब थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था तब उन्होंने 10,000 बार कोशिश करने के बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। और जब आप एक एक करके अपने सारे गोल्स को पूरा करते जाएंगे तो इससे आपका हौसला बढ़ेगा और आप बहुत जल्दी अपने सारे गोल्स को पूरा करने में कामयाब होंगे। चौथा है कि अपने गोल्स को सेट करने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जब कॉलोनल सैंडर्स 65 साल के थे तब उन्होंने KFC की शुरुआत की थी। 1009 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली उन्होंने अरबों रुपयों की कंपनी खड़ी कर दी। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि फेलियर से कभी मत घबराना। अगर आपके कुछ गोल्स पूरे नहीं होते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल उस चीज पर फोकस करो जिसमें आप अच्छे हो और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी को भी सफल होने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उनके कई बिजनेस बंद हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मिकी माउस कार्टून बनाने के बाद उन्होंने $1 बिलियन की वॉल्ट डिज्नी कंपनी बना डाली, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो दोस्तों फेल होने से कभी मत घबराना, आपके सारे सपने सच हो सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है उन सपनों को पूरा करने की। और याद रखो कि जब आप कोई सपना देख सकते हैं तो आप उन सपनों को हकीकत में बदल भी सकते हैं, और जब आप इस सोच के साथ किसी भी काम को करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस मोटिवेशनल चैनल लाइफ चेंजिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस, लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर।